देहरादून शहर के कई स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित कर दिया गया है, फिर भी लोग नो पार्किंग जोन पर अपने वाहन खड़ा कर रहे हैं, जिसके चलते यातायात पुलिस ऐसे वाहनों पर कार्रवाई और क्लैंप कर रही है। वहीं जनवरी से अब तक देहरादून में 12,100 से अधिक वाहनों में क्लैंप लगाया जा चुका है, साथ ही कई वाहनों को तो ट्रैफिक कार्यालय भी लाया गया है, जबकि पिछले साल इस अवधि में ऐसे वाहनों की संख्या केवल 1300 के आसपास थी। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे सोशल मीडिया में भी एक न्यूज़ वायरल हो रही है, जिसमें गत वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हमने 10 गुना ज़्यादा गाड़ियाँ, टोटल 13,000 वाहनों पे नो पार्किंग की कार्रवाई जनवरी से लेके 15 जुलाई तक हो चुकी है। चूँकि ये टूरिस्ट सीजन था और ट्रैफिक पुलिस की व्यस्तता भी बहुत ज़्यादा संचालन में थी, मैं मानता हूँ कि अब जब टूरिस्ट सीजन कम हुआ है देहरादून में, हम ये कार्रवाई को और बढ़ाएंगे। तो मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, नो पार्किंग में या सड़कों पे वाहन पार्क